गाइस स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टेकपोक पे। एक TWS मैंने मंगाए थे अमेजोन से, देखते हैं क्या कुछ खास मिलता है इसमें। और ये बहुत ही कम दाम में मिले मेरे को, और अगर आपको बाय करने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लीजिएगा। ये मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 450 या 500 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में पड़े, और अभी इसका प्राइस 999 रुपीज़ है। क्या ये 999 में लेना सही रहेगा? क्योंकि कभी कभी डील पर आते ही है, तो अगर आपको ऐसी डील चाहिए तो आप हमारे टेकपोक चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं। लो प्राइस लिंक आपको प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। और यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा डिफरेंट कलर मंगाया, पहले मैंने व्हाइट ऑर्डर किया था, वो भी मेरे को करीब करीब 499 के प्राइस ब्रैकेट में पड़ा था। और ये वाला आपका थोड़ा सा हल्का सा पिंकिश है, देख सकते हो आप यहाँ पे इस तरीके से। और ये ओवरऑल बॉक्स मिल जाता है। एक्चुअली मेरे को पहले ही रिसीव हो गया था, मैंने इसको ओपन नहीं किया और थोड़ा सा इशूज़ चल रहे थे, बट अब यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अनबॉक्सिंग मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। यहाँ पे अगर हम बात करें बॉक्स की, तो इस तरीके से मिलता है। हाई फ्यूचर फ्लाईवर्ड्स की तरफ से यहाँ पे आता है ये, और यहाँ पे एक टाइनी शेप में मिलता है आपको ये। और इधर अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 6000 रुपीज़ आप देख सकते हो लिखा हुआ है, बट इसका प्राइस बहुत ही कम है। और फ्लाईबर्ड्स फ्लेमिंगो पिंक, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पीछे की साइड आपको कुछ स्पेसिफिकेशन दिख जाती हैं, जैसे कि ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है, टच कमांड्स आपको मिल जाती है, मतलब टच कंट्रोल है ये। साथ में हाई फ्यूचर सॉफ्ट बास मिल जाता है आपको, मतलब बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल बास नहीं मिलेगा, जैसे आपको बोट के हेडसेट्स में मिलता है, तो उतना नहीं है बट सॉफ्ट बास मिल जाता है। उसी के साथ साथ 2 ईयरबड्स ऑलवेज कनेक्टेड। यहाँ पे पेयरिंग कैसे होती है बताया था आपको, एक ईयरबड कनेक्ट हो जाता है आपके फ़ोन के साथ, बट दूसरा ईयरबड आपके दूसरे ईयरबड के साथ कनेक्ट हो जाता है। सिंगल माइक दिया गया है इसमें, अप टू 5 आवर्स का बैटरी लाइफ मिल जाता है सिंगल बड से, और ओवरऑल 20 आवर्स का मिलता है आपको पूरे बॉक्स से, प्लस ये बड्स दोनों मिल जाते हैं। स्टेबल कनेक्शन है क्योंकि ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या मिलता है हमको, क्या इसका जो क्लेम किया गया है लुक एंड फील डेफिनेटली बेटर है कि नहीं, वो चेक करेंगे। तो गाइज इस तरीके का मिल जाता है, यहाँ पे मैग्नेटिक दिया गया है, अच्छी बात है, मतलब पैकिंग अच्छी करी गई है हो ना हो यहाँ पे, ये देख सकते हो गाइज। और गाइज थोड़े से मेरे को बड़े लग रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, मतलब जैसा मैंने सोचा था मतलब छोटे होंगे साइज़ में, वैसा नहीं है, ये बड़े मिल जाते हैं आपको, ये देख सकते हो गाइज। और यहाँ पे ये हमारा बॉक्स रखा है, बॉक्स भी काफ़ी बड़ा है। टाइप सी यहाँ पे नीचे की साइड चार्जिंग के लिए आपको मिल जाता है, और इसको रखते हैं साइड में हम। गाइज और भी चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे, गाइज यहाँ पे एक यूज़र मैनुअल मिल जाती है जहाँ पे डिवाइस ओवरव्यू है, और इसी के साथ साथ किस तरीके से कैसे पेयर करना है और कैसे क्या टच कंट्रोल से, सारा का सारा दिया गया है इसमें। इसको रखते हैं साइड में। और गाइज यहाँ पे आपको टाइप सी केबल मिल जाती है चार्जिंग के लिए, जो कि क्वालिटी ठीक लग रही है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं बोलूँगा, मतलब ठीक है, और मोटी वायर दी गई है, अच्छी बात है। और यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाती हैं, जिसकी वजह से आप अपने ईयर्स के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हो आपके बड्स में। तो गाइज मेन बड्स पे आते हैं, और तो कुछ मेरे ख्याल से दिया नहीं है इसमें, यही सब है बस, दैट्स इट। मेन बड्स की तरफ हम आए तो यहाँ पे आपको ग्लॉसी फिनिशिंग मिलती है यहाँ पे, और प्लास्टिक की बिल्ड है मैं आपको बता दूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। और यहाँ पे आई गेस आप देख सकते हो यहाँ पे हल्की सी गैपिंग है, बट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अंडर 500 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में। यहाँ पे मैश आपको मेटल का मिलता है, अच्छी बात है। यहाँ पे सिंगल माइक मिल जाता है दोनों में ही, इसमें एक है और एक इसमें है, राइट। और यहाँ पे हमको बॉक्स मिल जाता है, बॉक्स की क्वालिटी ठीक लग रही है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो गाइस इस तरीके का मिल जाता है, काफ़ी बड़ा है ये, आप देख सकते हो यहाँ पे, इन हैंड फील जाता है इसका है मेरे ख्याल से, और इस तरीके से ओपन हो जाता है। कहना चाहूँगा बॉक्स की क्वालिटी अच्छी है यहाँ पे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं कहूँगा, बट यहाँ पे अच्छी है बॉक्स की क्वालिटी, आप देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे मैग्नेट मिलती है ऊपर की साइड, और जैसे हम इसको रखते हैं यहाँ पे, आई गेस ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, देख सकते हो आप यहाँ पे बैटरी फुल मिली हुई है। और यहाँ पे दोनों में ही आपको इनबिल्ट लाइट मिल जाती है रेड कलर की, और यहाँ पे आपको 3 LED मिल जाती है, इसकी वजह से बताया कितना ये चार्ज है बॉक्स। और यहाँ पे आपको रीसेट बटन मिल जाता है इस तरीके से। 400 mAh का आपको एक केस मिलता है, और पर्टिकुलर बड में मेरे ख्याल से 70-80 mAh बैटरी होगी एक पर्टिकुलर बड में, जब भी आपको 5 घंटे का बैटरी बैकअप दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो हाई फ्यूचर, और यहाँ पे 3.7 वोल्ट का है और 1.48 वाट आवर। यहाँ पे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 ampere के चार्जर से चार्ज करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बैटरी पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो गाइज इस तरीके का मिल जाता है, और ओवरऑल क्वालिटी मेरे को ठीक लगी अंडर 500 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में, डेफिनेटली यहाँ पे रिकमेंडेबल है। सबसे पहले इसकी साउंड क्वालिटी सुनेंगे, देन ओनली मैं आपको प्रॉपरली रिकमेंड कर पाऊँगा। अभी तो मैं इसके लुक एंड फील से बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइट हुआ हूँ,
क्योंकि लुक एंड फील इसका बहुत अच्छा है और प्रीमियम लग रहा है इन हैंड सच में। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आपको कुछ भी चाइनीज़ माल पकड़ा दिया गया है, अगर ये चाइनीज़ भी है तब भी इस पर फिनिशिंग अच्छी करी गई है, आप देख सकते हो अच्छा खासा ग्लॉसी फिनिशिंग मिलती है। तो गाइस इसको कनेक्ट करते हैं अपने फ़ोन के साथ, फिर मैं आपके सामने आता हूँ। आई गेस मेरे को निकालना पड़ेगा इसमें से एक बर्ड, देन ओनली ये पेयर होगा। एक मैंने निकाल दिया है और ये दूसरा भी निकाल लिया है, देखते हैं ये पेयर होता है कि नहीं। स्कैन करते हैं दोबारा, गेटिंग डिवाइस इंफॉर्मेशन आ रहा है और मेरे ख्याल से नेम आ जाएगा इसका। हाई फ्लाई बर्ड्स आ चुका है, देख सकते हो हाई फ्यूचर। इसको कनेक्ट कर लेते हैं, पेयरिंग आ रहा है, यहाँ पे पेयर कर देना है, दैट्स इट। ये पेयर हो चुका है ऑटोमेटिकली, 60% बैटरी है। अब गाइज यहाँ पे एक बार आपको पेयर करना है, उसके बाद ये आराम से अपने आप ही ले लेगा लाइक पेयरिंग, ठीक है। तो गाइज इसको रखते हैं साइड में और यहाँ पे आते हैं अपने बर्ड्स की तरफ। यहाँ पे मैं यूट्यूब से कोई सॉन्ग प्ले करता हूँ, देखते हैं यहाँ पे। तो गाइज़ यहाँ पे प्रॉपरली पेयर हो चुके हैं और अब आप साउंड सुनोगे इन बर्ड्स की अपने कानों से। तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ अपने माइक को। तो गाइस डेफिनेटली बेस अच्छा है इसका और वोकल्स क्लियर हैं, मतलब ऐसा नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, मतलब क्लियर है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे थम्पिंग बेस आपको नहीं मिलता जैसा बोट पे मिलता है, जैसा मैंने आपको बताया था, बट लाउडनेस अच्छी मिल जाती है आपको और इसकी बर्ड्स की क्वालिटी भी अच्छी मिलती है। पीछे हाई फ्यूचर की ब्रांडिंग मिल जाती है और नीचे इस तरीके से आपको माइक और साथ में चार्जिंग के लिए आपको पिंस मिल जाते हैं नीचे एक साइड, ये जैसे आप इसमें डालोगे चार्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कॉल क्वालिटी की, मैंने इस पर कॉल पर बात करके देखा तो यहाँ पे अबव एवरेज कह सकता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बेटर है, बट यहाँ पे ठीक है। अंडर मेरे ख्याल से 1000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में डेफिनेटली यहाँ पे कंसीडर कर सकता हूँ मैं, अगर देखा जाए तो मार्केट को, क्योंकि यहाँ पे आपको बैटरी बैकअप भी अच्छा मिल रहा है, मतलब 20 आवर्स का, और साथ में सिंगल बर्ड से 5 घंटे का बैटरी बैकअप ठीक है मेरे ख्याल से। अगर आपको अंडर 500 रुपये लेना है इसको तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लीजिएगा। तो गाइज़ ये था मेरा एक सिंपल सा रिव्यू और अनबॉक्सिंग हाई फ्यूचर बर्ड्स के लिए। अगर आपका कोई क्वेरी रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन को ऑल कर देना। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।